नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मैं धीरज सिंह, धीरज सिंह के स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। 20 अक्टूबर 2022 को दूसरी तिमाही Q2 FY23 के नंबर्स आने थे तो अपडेट आ गया दोस्तों, और स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, उसकी बात आगे करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। तो आपके पास अगर यूनियन बैंक का स्टॉक है तो किस तरह के नंबर रहे हैं, कैसे नतीजे रहे हैं, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे, कितनी ग्रोथ है, और प्रॉफिट की बात करेंगे, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज कितनी कमी आई है, तो उसकी बात करते हैं। तो इन पॉइंट्स की बात इस वीडियो में करते हैं। और शेयर प्राइस में एक तरह से तेज़ी है दोस्तों, और बीच मार्केट में ये नंबर्स आए हैं। और PSU बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए, सितंबर के क्वार्टर में, दूसरी तिमाही में जो टोटल इनकम है 19,682 करोड़ का है दोस्तों, 19,682 करोड़ का है, और जून के क्वार्टर में 18,174 करोड़ का था, और मार्च के क्वार्टर में 17,174 करोड़ का था, एक साल पहले 16,706 करोड़ का था। तो 17.81% ग्रोथ है सालाना, और 8.29% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बड़ा है टोटल इंटरेस्ट इनकम 19,682 करोड़ का। आगे की तरफ चलते हैं, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो देखिए, एक्सपेंसेस है 11,377 करोड़ का इस क्वार्टर में हुआ है, और थोड़ा बहुत बड़ा है ये, 15.19% सालाना बड़ा है, पिछली बार 9,876 करोड़ का था। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बड़ा है टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यूनियन बैंक का, 8,305 करोड़ का दोस्तों, और Q1 में था 7,582 करोड़ का, क्वार्टर में 6,769 करोड़ का था, और एक साल पहले 6,829 करोड़ का था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम 6,829 करोड़ से बढ़कर 8,305 करोड़ का है, 21.61% बढ़ा है, 9.54% बढ़ा है दोस्तों क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना 21% की बढ़ोतरी हुई है। अब दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो 6,577 करोड़ का है, और एक साल पहले 6,074 करोड़ का था, और 5,448 करोड़ का जून के क्वार्टर का था। तो देखिए, 8.29% सालाना बढ़ा है, और 20.73% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है। और प्रोविजन की बात करते हैं तो 4.27 का है, और देखिए इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा है प्रोविज़न इन्होंने, 4.00% सालाना बढ़ा है, पिछली बार 4,547 करोड़ का था, 21.61%, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है, क्योंकि जो इससे पहले का क्वार्टर था 3,889 करोड़ का था। और सीधे से नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो देखिए 1,848 करोड़ का दोस्तों यूनियन बैंक का जो नेट प्रॉफिट आया है दूसरी तिमाही में, 1,848 करोड़ का है, सालाना 21% की बढ़ोतरी है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 18.26% का बढ़कर आया है मुनाफा, 1,526 से बढ़कर 1,848 करोड़ का मुनाफा आया है, नेट प्रॉफिट आया है, और इससे पहले के क्वार्टर में 1,558 करोड़ का मुनाफा था। तो देखिए मुनाफा बढ़कर आया है, और इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ के आया है। तो अब ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों ग्रॉस एनपेज की बात करते हैं, तो देखिए जो ग्रॉस एनपेज है 8.45 का है दोस्तों, और इससे पहले क्वार्टर में 10.22 का था, एक साल पहले 12.64 का, तो 12.64 से घटकर 8.45 का है। तो लगातार एक तरह से देखिए ग्रॉस एनपेज कम है, 8.45 तक पहुंचा है ग्रॉस एनपेज, कम हो रहा है ग्रॉस एनपेज। और नेट एनपेज की बात करते हैं, परसेंटेज में 2.64 का है, और अमाउंट 19,193 करोड़ का है। तो देखिए पिछले साल नेट एनपेज 4.61 का था, तो ये घटकर 2.64 का है। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो अर्निंग पर शेयर है देखिए 10.81 का है, और बुक वैल्यू पर शेयर है 84.18 का। तो ये दूसरी तिमाही के नतीजे हैं यूनियन बैंक के, और अच्छे नंबर्स पेश किए हैं यूनियन बैंक के दोस्तों, और PSU बैंकों में एक तरह से तेजी है। अब दोस्तों एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, एक साल का ग्राफ है दोस्तों।
47.60 रुपया में ये कारोबार कर रहा है, और बीच मार्केट में नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे हैं और एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। तो देखिए जो इंट्रा डे रहा है यूनियन बैंक का 46.20 रुपये में ओपन हुआ था और हाई बना था 47.75 रुपये, लो था 45.75 रुपया, और स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। इसका जो हाई है 54.80 रुपया है दोस्तों, और 52 वीक लो है 33.60 रुपया। तो नतीजों से पहले एक तरह से तेजी है, 49.80 रुपया के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा दोस्तों ऊपर का ये होगा 54 रुपये का, 54 का होगा, पिछले साल ही ऊपर की तरफ था दोस्तों नवंबर के महीने में। तो तेजी तो बनी है, बट ये कि गिरावट अगर आती है तो यूनियन बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ये 40 के नीचे नहीं गया दोस्तों, तो सपोर्ट जो रहेगा 40 का रहेगा। और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में यूनियन बैंक को रखा है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और जैसे कि देखिए अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है बैंक का, PSU बैंक फोकस में है, तो यूनियन बैंक भी अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, जैसे कि पिछले साल से ग्रॉस NPA जो नेट NPA देखिए 8.2 तक आए हैं, तो इसी तरह से अगले एक दो क्वार्टर में और कमी आती है तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है, हमारे अनुसार स्टॉक को नज़रों में रखना चाहिए जब गिरावट होती है, और जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए, और जिनको अभी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। तो ये यूनियन बैंक के दूसरी तिमाही Q2 FY 2023 के नंबर्स का अपडेट था, और जो शेयर प्राइस का एनालिसिस है वो ग्राफ के अनुसार एक साल के चार्ट के अनुसार है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।